बिजनेस जा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस मुख्तसर व्लॉग में हम आपको हुफाज एजुकेशन सिस्टम जामत रशीद के ट्यूकेशन कराटे हैं, जिमनास्टिक है और योगा करते हुए तलबा के कुछ मनाजिर दिखाने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ इन तीनों असनाफ का इस व्लॉग में तारुफ भी होगा। तो आइए मेरे साथ। उन्नीस सौ अट्ठासी में मैंने गेम स्टार्ट किए, अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड बार नेशनल चैंपियन रह चुका हूँ। तीन महीने जापान में भी ट्रेनिंग किया हुआ है। 99 में एशिया बेस्ट फाइटर का इजाज लाया हूँ। 2017 में वर्ल्ड थर्ड पोजीशन ब्रॉन्ज मेडल मैंने लाया अपने मुल्क के लिए। हुफाज एजुकेशन की पूरा पाकिस्तान का निगरान भी हूँ कराटे का। के कृष्ण काई मासो ओयामा ने ईजाद किया है, जापानी एक मास्टर है। ये सब गेमों से अलग है, इसमें नॉकआउट सिस्टम होता है, बाकी गेम में पॉइंट सिस्टम होता है। जैसी आवाज आए वो नॉकआउट कहलाता है, उसको जीतवा देते हैं। हमारा ये नहीं है, हम लोग जो फाइट करते हैं बिल्कुल सच्ची फाइट करते हैं। उसमें कुछ रूल्स है, पेस पे पंच नहीं मार सकते है, बैक होते हैं, बैक पे हम लोग अटैक नहीं कर सकते, बिल्कुल सामने सच मच मुच हम लोग फाइट करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सलमान इस्माइल, मेरा शोभा जिमनास्टिक, प्रोफेशनल जिमनास्टिक कोच और पाकिस्तान गोल्ड मेडल होल्डर रहा हूँ। मैं मौजूदा सिंध जिमनास्टिक एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट, आम रेसलिंग का सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हूँ। 3 से 4 मुल्कों का दौरा भी करके आया हूँ जिमनास्टिक पर, और माशाल्लाह जामिया वालों ने बहुत अच्छा कदम लिया है कि उन्होंने इस गेम को आगे लिया है जिमनास्टिक को, और बच्चे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जिमनास्टिक ओलंपिक का सबसे हार्ड गेम है। इस गेम के अंदर बच्चा अगर 5 साल से लेके जब बच्चा चल रहा है ना ये, तो आगे जाके इनकी बेसिक एक्सरसाइज इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि यही बच्चा किसी भी गेम में आगे निकल सकता है। ये